और देखिए नजरें टिकी हुई है उस सर्वे पर जो कि 8 बजे से शुरू हुआ है। 12 बजे तक का वक्त तय है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कुल 52 लोगों की टीम इस वक्त मौजूद है और चप्पे चप्पे पर इस वक्त वीडियोग्राफी की जा रही है। सर्वे का काम आगे बढ़ रहा है। हमारी टीमें लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रही है। इनसाइट अपडेट भी हमारे पास आ रही है। जो छन छन की जानकारी आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए तहखाने के भीतर दाखिल होने से जुड़ी भी जानकारी हमारे सामने आ रही है। इस वक्त तीसरे कमरे में सर्वे चल रहा है, यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा है। देखिए बड़ी खबर, सर्वे का काम कितना आगे बढ़ा है ये जान लीजिए। तीसरे कमरे तक इस वक्त टीम पहुंची है। कुल 5 कमरे हैं तहखाने में, जिसमें तीसरे पहले कमरे की अगर आप बात करें तो यहां सर्वे का काम पूरा हो चुका है और आगे टीम बढ़ रही है और इस वक्त तीसरे कमरे में सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे चल रहा है, कुल 5 कमरे हैं और ऐसे में तीसरे कमरे में मौजूद हैं। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश का, उनके पास क्या जानकारी है, उनके पास क्या तस्वीरें हैं ये समझेंगे। जी नीतीश, इस वक्त मैं चौक थाने के पास वाली बैरिकेटिंग पर मौजूद हूं। स्नेहलता, आप देखिए चारों तरफ आपको सुरक्षा का कड़ा घेरा दिखाई देगा, लेकिन एक अपडेट और कर दूं, जो अभी सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, अंदर की जो खबर है, पहले तहखाने का सर्वे अब पूरा हो गया है। अब जो आगे का जो तहखाना है उसकी ओर जो टीम है वो मूव कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि दोनों पक्षों, चाहे वादी और प्रतिवादी पक्ष हो, दोनों पक्षों का सहयोग मिल रहा है प्रशासनिक टीम के हस्तक्षेप के बाद, और सभी जो अंदर जो तहखाना है उसमें मौजूद है। एक एक चीज़ जो अंदर की तलाश में जिस चीज़ को पहुँचे थे लोग, जिस चीज़ को जानकारी लेना चाह रहे थे, उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई है। और इस बार जिस तरह से पिछली बार प्रतिरोध की स्थिति देखने को मिली थी, तो इस बार सभी सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो वादी पक्ष हो या प्रतिवादी पक्ष हो। और एक बार हम तस्वीरें और आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त जहां पे ये चौक थाना है, चौक थाने के पास हम मौजूद हैं और चौक थाने से ठीक सामने जो आपको ये सड़क जाती हुई दिखाई दे रही है, यही गेट नंबर 4 की ओर ये सड़क जाती है। और आप देखिए यहाँ पर जो मीडिया है उनको यहाँ पर रोक दिया गया है। इसके साथ ही जो आम जनता है उनको भी रोका गया है। सिर्फ जो मंदिरों के पुजारी, जैसे सामने आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा, उनके पुजारी को यहाँ से जाने दिया गया है, चूँकि पूजा का टाइम था। इसके अलावा जो शवयात्री आए हैं उनको भी यहाँ से जाने दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूँ कि पहले तहखाने का सर्वे अब पूरा हो चुका है, आपको अपडेट बता देता हूँ। अब दूसरे तहखाने की ओर जो टीम है वो बढ़ रही है। स्नेहलता, बिल्कुल। तो देखिए तहखाने में भी कई कमरे हैं और उन कमरों को खोला जाना है, उन कमरों की वीडियोग्राफी होनी है। ब्यूरो चीफ वीरेश का रुख करते हैं, उनके पास क्या तस्वीरें हैं, क्या इनसाइड अपडेट है, वीरेश से जानेंगे। जी वीरेश, जी देखिए अगर हम बात करें, अभी हमने जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेजी हैं एबीपी गंगा के पास, उसमें जो सर्वे की टीम है वो सर्वे कर रही है और उसकी तस्वीरें केवल एबीपी गंगा के पास है। और उस तस्वीर हम ज्ञानवापी मस्जिद के करीब पहुंचे थे, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के पास पहुंचे थे और वहां से जाकर हमने उस तस्वीरों को भेजा है और उसे दर्शकों को ज़रूर दिखाइए। और मेरे पास एक और तस्वीर आ गई है जो मैं अपने एबीपी गंगा के ग्रुप पर भेज रहा हूँ, उसे आप ज़रूर दिखाइए और दर्शकों को, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और किसी चैनल के पास है नहीं। और कारण इसका ये है कि हमने कोशिश की है और कोशिश करके वहाँ पहुँचे और पहुँच कर ये दिखाया कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद में हलचल क्या हो रही है, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या स्थिति है। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ गए थे और वहाँ जाकर हमने उन तस्वीरों को लिया है, हमने एबीपी गंगा के ग्रुप पर भेज दिया है और जल्द ही दर्शकों तक जो टेक्निकल तरीका है उससे वो दर्शकों तक पहुँचेगा। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बताएं कि अभी जो जानकारी आपके पास छन कर आई है, और आप मुझे अभी ब्रेक के समय बता रहे थे कि एक नई खबर आई है जो दर्शकों को बताना है, वो क्या खबर है? जी बिल्कुल, आपको एक अहम जानकारी ये देनी है, एबीपी गंगा के दर्शकों को ये देनी है कि जो सर्वे का काम है वो रुक गया है, पिछले 5 से 6 मिनट से रुका हुआ है, क्योंकि जो मेन तहखाना है वहाँ एक बड़ा सा सांप निकला हुआ है, तकरीबन 1.5 से 2 फीट का जो है वो। बड़ी खबर, ये एक बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि तहखाने के अंदर से सांप निकला है और ये जो सर्वे है रुक गया।
हर रुक गया है, क्योंकि अब वो जो एक्सपर्ट टीम है नगर निगम की और जंतु पकड़ने वाले लोग हैं वो उसको जाकर के आगे पकड़ेंगे उसके बाद ही, क्योंकि वो किसी के लिए खतरा भी हो सकता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अंदर लाइट नहीं है, हैलोजन और टार्च के सहारे अंदर काम चल रहा है और तहखाना है, इसलिए जो नेचुरल लाइट होती है सूरज की रोशनी वो भी वहां तक नहीं है। तो सांप जो है एक निकला हुआ है, तकरीबन 1.5 से 2 फीट का लंबा सांप है, इस वजह से आगे बढ़ने से रोक दिया गया है सर्वे टीम को। अब उस सांप को पकड़ा जाए कि इतना बड़ा शासन है, प्रशासन है, और उसमें इतना अंधेरा क्यों है? देखिए तहखाना है, बहुत लंबे समय से बंद चल रहा था, निश्चित तौर पर अंदर बिजली की वायरिंग हुई है, लेकिन वो शायद लगता है कि जो आगे का हिस्सा है वहां पर बरसों से बंद होने की वजह से वहां पर कोई तार जो है वो कटपिट गया होगा, इस वजह से लाइट नहीं जल पा रही। हालांकि अंदर नीचे बिजली का कनेक्शन है इस बात की जानकारी हमारे पास है, सर्वे चल रहा था, अभी एक सांप निकला है जिसकी वजह से सर्वे पिछले 5-6 मिनट से बाधित है ये कहा जाए, लेकिन अब वो सांप को पकड़ लिया जाएगा। जो एक्सपर्ट लोग और प्रशासन ने जो जीव जंतु पकड़ने वाले विषधर जो प्रजाति के हैं उनको पकड़ने वाले एक्सपर्ट्स को जो बुलाया था वो काम आ गया? हाँ बिल्कुल, उनको बुलाया गया था और शायद पहले से होमवर्क किया गया था और वो होमवर्क काम आ गया है, उनको बुला लिया गया है। और इतना ही नहीं, जैसा हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि ताला तोड़ने ताला खोलने वालों को बुला कर रखा गया है, फायर ब्रिगेड की भी 2 गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं कि अगर कोई अनहोनी होती है कहीं से किसी तरीके की फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आग बुझाने में चाहे भीड़ को कंट्रोल करने में, तो फायर ब्रिगेड की भी 2 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। यानी हर तरीके से जो भी एहतियाती कदम उठाए जा सकते थे वो सारे के सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और बात रही कि सर्वे का काम रोक दिया गया है, थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ है, तो वो सांप को काबू में करने की कोशिश की जा रही है, सांप को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, और जैसे वो सांप पकड़ लिया जाएगा सर्वे टीम धीरे धीरे एहतियात के साथ आगे बढ़ती जाएगी। तहखाने का पहला दरवाजा खुला है। साहब ये तो आपने सांप का नाम लेके मुझे डरा दिया, वहां तो सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर भी है, वहां पर मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा भी हैं, सारे लोग हैं, जज साहब भी हैं, वादी हैं, प्रतिवादी हैं, तो डर गए होंगे साहब। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए वो सांप है वो किसी को नहीं पहचानता है कि कौन कमिश्नर है, कौन यहाँ पर डीएम है, कौन कोर्ट कमिश्नर है, कौन वादी है, कौन प्रतिवादी है। रात का सांप तो नहीं है, अब ये हो सकता है, इस बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। और इस मामले से जुड़े हुए तमाम रहस्य हैं और धीरे धीरे कर एक एक रहस्य आने शुरू हो रहे हैं, और पूरे रहस्य तो बाहर आने में सालों का वक्त लगेगा। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि मूल मुकदमा 31 साल पहले 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ दाखिल किया गया था। इस मुकदमे को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 31 साल का वक्त हो चुका है, 31 साल में भी अभी हाई कोर्ट ये तय नहीं कर पाया है कि इस मुकदमे की सुनवाई यहाँ हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। यानी 31 साल पहले दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई ही नहीं शुरू हुई। खबर मोहम्मद मोइन ने दिया, दर्शकों को दे दूं कि अभी जो जो सर्वे हो रहा था वो रोक दिया गया है कि क्योंकि वहाँ एक विषधर सांप मिला हुआ है, उसे पकड़ने की कोशिश जारी है, और जो जीव जंतु विशेषज्ञ वहाँ बुलाए गए थे उनकी अब एक्सपर्टीज का काम लिया जा रहा है, यानी सारे एक्सपर्टीज जो हैं वहाँ आज हो ही जाएंगे, क्योंकि ताला खोलने वाला, ताला तोड़ने वाला, जंजीर तोड़ने वाला, जंजीर खोलने वाला, ये भी एक्सपर्ट बुला लिए गए थे, जीव जंतु विशेषज्ञ बुला लिए गए थे, एम्बुलेंस भी बुला लिए गए, और डॉक्टर की टीम भी मौजूद है वहाँ, डॉक्टरों की टीम है। कबीर चौरा हॉस्पिटल से शिव प्रसाद गुप्ता जो हॉस्पिटल है वहाँ से भी डॉक्टर्स की टीम को भी बुला लिया गया है। डॉक्टर्स की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल, देखिए ये हो सकता है कि अगर गर्मी ज़्यादा है, किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो कम से कम वहाँ डॉक्टरों की टीम रहे जो उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सके, और अगर नौबत अस्पताल भेजने की होती है तो इसीलिए एम्बुलेंस भी मौजूद है कि उन लोगों को अस्पताल भेजा जा सके। तो सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि अब 1.5 घंटे से भी कम वक्त बचा है, 10:35 हो गए हैं, 12 बजे तक सर्वे होना है, यानी अगर आज के सर्वे को अधिकतम खींच सकते हैं तो वो 1 घंटे खींच सकते हैं, क्योंकि 1:15 यहाँ पर अजान होती है। आप पकड़ के तो नमाज, ये हो सकता है, लेकिन ये पुलिस की गाड़ी है तो ऐसा नहीं लगता कि सांप पकड़ के जा रहा होगा, वो तो नगर निगम की गाड़ी में जाएगा जो है वो। लेकिन 1.5 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे में क्या आज सर्वे पूरा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और लगता नहीं इस बाबा विश्वनाथ और ज्ञानवापी की गली में, यानी ज्ञानवापी मस्जिद के पास इनका घर है, वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, और वो उनके पास इसका बहुत सारा रहस्य है। तहखाना तो ये नहीं देख पाए, तहखाने के बारे में खबरें इनके पास बहुत है, बताइए।
भैया जब हम लोग छोटे थे ना तो उसी मस्जिद के पीछे हम लोग खेलते थे। अच्छा। वहाँ पर पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे और जो मस्जिद की दीवार आप लोग देखते हैं वो पहले और बाहर तक थी। बाद में ये जो ज्ञान ये अयोध्या वाला जो बाबरी विध्वंस हुआ उसके बाद ये पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई मंदिर की सुरक्षा के लिए, तो उसके बाद से चीज़ें वहाँ हम लोग का जाना मना हो गया था। लेकिन यादें आज भी हैं, हम लोग जब जाते थे तो मस्जिद के अंदर एक छोटा सा तालाब है उसमें मछलियाँ हैं, तो हम लोग मस्जिद में भी जाते थे, बाहर खेलते भी थे, बॉल चली जाती थी तो लेने जाते थे। आज ये जो चीज़ें हो रही हैं ये ठीक 26 साल पहले भी ये कार्रवाई एक बार करने की कोशिश की गई थी, कमीशन करने का कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन उस समय की सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी कही जाए या शासन प्रशासन के दृढ़ संकल्प की कमी कही जाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो आज हो रहा है ये एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। और आप देख पा रहे हैं ये मेरे सामने ये जो गली है ये पीछे पूरी गली जो है दालमंडी होते हुए अड़ासराय जाती है, ये पूरा मुस्लिम इलाका है और इधर पूरा हिंदू रहते हैं, मतलब एक तरफ ये पीछे मुस्लिम इलाका है और एक तरफ ये हिंदू इलाका है। लेकिन अभी हम लोग इस गली से भी होके आ रहे हैं और जिस प्रकार की शांति है, जिस प्रकार का एक सन्नाटा है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की दृढ़ इच्छा शक्ति और शासन प्रशासन का जोर और जर्नलिज्म किया है क्या? नहीं, हमने कोई जर्नलिज्म नहीं, तगड़ा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नहीं, रिपोर्टिंग नहीं है, जो सत्य है वो बता रहे हैं, जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में मुझे भी बहुत जानने की उत्सुकता है, मोइन आपको भी बहुत जानने की उत्सुकता है। हाँ, मैं कल जब नमाज पढ़ने गया था इसी वजह से मैं काफी देर तक खड़े होकर उस जगह को देखता रहा, निहारता रहा जहाँ पर तहखाना है। तो एक जैसे पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की निगाहें इस बारे में लगी हुई हैं, तो मेरे अंदर भी एक उत्सुकता थी कि आखिर कौन सा वो तहखाना है, क्या शेप है उसका, किस तरीके का तहखाना है, उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है। देखा, इन्होंने तो गुल्ली डंडा और कंचा भी खेला। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर हम लोगों ने खेला है। और एक जो नंदी है बाबा, नंदी बाबा के ठीक सामने एक कमरा है जहाँ पर एक रामायण पाठ होता है ज्ञानवापी पे, ये कई 100 साल पुरानी परंपरा है। तो ये जो रामायण पाठ होता है ये 9 दिन का होता है और ये ज्ञानवापी परिसर में होता था। तो इसका जो सामान है ये पूरा सामान व्यास परिवार के पास रखाता था और उस एक कमरे में रखाता था। आज भी वो सारा सामान, अभी रामायण पाठ हुआ था तो वहीं से निकला। आपको बता दूं ये जो शख्स हैं वो, इनका घर ज्ञानवापी मस्जिद के जस्ट बगल में है, उसी गली में है और पहला घर इन्हीं का है। तो ये स्थिति है वहाँ पर कि आज जो ये चीज़ हो रही है मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि ये सिद्ध करेंगी कि निश्चित रूप से वहाँ पर एक मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ के उसको विध्वंस करके औरंगजेब के समय में वहाँ पर मस्जिद का निर्माण हुआ था। मैं कभी भी इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि किसी मस्जिद को ढाया जाए या हिंदू मुस्लिम के बीच में किसी प्रकार की नफरत की राजनीति हो, लेकिन सत्य जो है उसको स्वीकार करना चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और हमारा सामाजिक कर्तव्य भी है। जब आप लोग वहाँ गुल्ली डंडा खेलने जाते थे, कंचा खेलने जाते थे, तब प्रशासन नहीं रोकता था? ना ना, उस समय तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था उस समय, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और सारे मोहल्ले का, अरे वहाँ पर संघ की शाखा भी लगती थी, विशेश्वर शाखा की, वही गुल्ली डंडा खेलते थे हम लोग वहाँ पे, गुल्ली डंडा हाँ खेलते थे वहाँ पे। कोई प्रशासन नहीं थी उस समय, कोई चेकिंग पॉइंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। शादी हुई आपकी? हाँ, तो दो बच्चे हैं मेरे। बच्चे खेलते हैं कि नहीं गुल्ली डंडा? खेलते हैं गुल्ली डंडा। अच्छा। हाँ खेलते हैं बच्चे। अब नहीं खेल पाते हो? नहीं, आप कहाँ खेल पाएंगे। अच्छा, अभी इतना भी वो लग गया है, कहाँ से खेलेंगे। कंचा भी खेलते थे? कंचा नहीं, हाँ गोली खेलते हैं। गोली गोली खेलते गोली गोली आप भी खेले कहाँ? हाँ सर, गोली खेले हैं वहीं पे। हाँ वहाँ बगल में, हाँ हमारा स्कूल था पास में वहाँ। आपका? मेरा ये बगल में, गल में घर। और आपका? मैं मस्जिद और मंदिर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा उम्र 29-60 है, मैं यहीं पला पोसा हूँ और मैं यहीं बड़ा हूँ। उस मंदिर पर, मस्जिद पर, सॉरी मस्जिद पर कोई एक भी आदमी कभी नमाज पढ़ने नहीं देखे हम किसी समय में, आज से 30 साल 35 साल। नाम क्या है साहब? मेरा नाम काशीनाथ सिंह है। काशीनाथ सिंह जी हाँ। वहाँ कभी कोई नहीं था, वहाँ कबूतर का डेरा रहता था। आज ये परिस्थिति हो गई है कि हिंदू और मुसलमान में इस तरह का झगड़ा लगाया जा रहा है जो वो विवादित का ढांचा बनता चला जा रहा है। ऐसा न हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो विवाद बने, विवाद को निपटा, क्या करना चाहिए इसको, विवाद को निपटाना चाहिए। कैसे निपटाना चाहिए? मेरा धर्म है, अगर मेरे धर्म में अगर वो चीज़ है तो उनको हटना चाहिए, उनका है तो वो अपना ले, हमें कोई इतराज नहीं है। यही हम यहीं के, आप भी यहीं के? जी हाँ जी जी हो गया है जी जी। जो सर्वे बाधित हुआ था, सांप मिलने की बात कही जा रही थी,
उस सांप को शायद काबू में कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। हाँ। और जो जानकारी आ रही है कि सर्वे दोबारा शुरू हो गया है। हाँ। तो दरवाजे मतलब जो पहला दरवाजा छोड़ के जो दूसरा दरवाजा था। हाँ। उसके पास सांप नुमा कोई चीज थी। हाँ। अब वो सांप ही थी या रस्सी का टुकड़ा था, उसकी वजह से। हाँ। कुछ मिनटों के लिए सर्वे बाधित हुआ था, लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी है कि जो काम बाधित हुआ था वो फिर से शुरू हो चुका है, सर्वे दोबारा शुरू हो चुका है। तकरीबन 8 से 10 मिनट का व्यवधान हुआ था। अभी तो कूड़े ही हटाए जा रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, साफ सफाई की जा रही है। जैसे जैसे सफाई होती जा रही वैसे वैसे टीम आगे बढ़ती जा रही है। खाने का रहस्य, हर वो रहस्य, हर वो खबर हम जरूर बताएंगे, दिखाएंगे और लगातार दिखा रहे हैं और दर्शकों को बता रहे हैं कि वहां की जो गंदगी है सफाई की जा रही है नगर निगम के द्वारा, और वहां एक सांप मिला था, सांप पर काबू पा लिया गया है। 8 से 10 मिनट का व्यवधान था, सर्वे की शुरुआत हो गई है। हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं, दर्शनार्थी लगातार दर्शन कर रहे हैं गेट नंबर 1 से। मोहम्मद मोइन, कूड़ा हटेगा, गलियों के दर्शन तो हो रहे हैं। इसके साथ कोई पक्ष ये ना कह सके कि कूड़े की आड़ में हमारे अंदर जो सामान रखे हुए थे वो हटा दिए गए, कोई ऐसे तथ्य, कोई ऐसे सबूत। इसी बीच बड़ी खबर, सर्वे का काम दोबारा शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको दे, सर्वे का काम दोबारा शुरू हो चुका है। देखिए, थोड़ी देर के लिए व्यवधान था, एक सांप के दिखने के बाद से उसे पकड़ने की कवायद थी, लेकिन लगता है वो कवायद पूरी हो चुकी है और अब टीम आगे बढ़ रही है। तहखाने में गंदगी का अंबार है और बंद अंधेरा कमरा और तहखाना, इसमें सांप के आने के बाद सर्वे का काम रोका गया, लेकिन वहां पर निगम की ओर से टीम मौजूद थी, जो एक्सपर्ट होते हैं वो मौजूद थे, उन्होंने सांप को पकड़ा होगा और अब दोबारा सर्वे का काम शुरू हो गया है, ये जानकारी आ रही है। तो देखिए, सर्वे में थोड़ी रुकावट थी क्योंकि तहखाना अंधेरा बंद पड़ा था, इसमें सांप की मौजूदगी देखी गई थी और उसे फिर पकड़ने के बाद पिछले 10 मिनट से जो काम रुका हुआ था सर्वे का, अब फिर से सुचारू हो चुका है, ये खबर आ रही है।